सब्सक्राइब करें हमारे बायोफीड चैनल को और इस बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड वेलकम अगेन इन माय अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं प्रशांत शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था केमिकल बॉन्ड होता क्या है और कितने टाइप का होता है, ओके? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजिकल में, मतलब बायोलॉजी में केमिकल बॉन्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, ओके? क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ओके? इस वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा, ठीक है, जो नहीं मालूम होगा आपको, ओके? और कुछ लोगों ने मतलब कुछ सुना भी होगा और लेकिन उसका लॉजिक नहीं मालूम होगा, ओके? तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, पूरा जरूर देखें, और यदि नहीं है तो बिल्कुल भी ना क्लिक करें इस पर, ओके? एंड यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक एंड बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, ओके? तो अपन स्टार्ट करते हैं कि क्या इंपोर्टेंस है केमिकल बॉन्ड का बायोलॉजी में, ओके? तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये केमिकल बॉन्ड है वो एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से जो एटम हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, ओके? तो फर्स्ट जो इंपोर्टेंस है यही हो गया बायोलॉजी में, यदि केमिकल बॉन्ड ना हो तो मॉलिक्यूल का बनना नहीं हो पाएगा, मॉलिक्यूल नहीं बन सकते, एंड मॉलिक्यूल नहीं बन पाए तो अपना सेल का ओरिजिन नहीं हो सकता, सेल नहीं बन सकती, बिकॉज मैंने ये भी बताया था कि जो सेल है वो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, बायोमॉलिक्यूल कौन से एलिमेंट से मिलकर बनी है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। यदि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में आपस में केमिकल बॉन्डिंग ना हो तो बायोमॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, और बायोमॉलिक्यूल नहीं बनेंगे तो सेल नहीं बनेगी, एंड सेल नहीं बनेगी तो टिश्यू नहीं तो ऑर्गन नहीं, और ऑर्गन नहीं तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस तो यही हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बस लिंक उठाना होता है कि यदि कोई चीज नेचर में एग्जिस्ट ना करे तो क्या होगा, सीधी सीधी बात है, लिंक उठाते चलो, ये तुम्हें नॉलेज है तो लिंक उठाते चलो, सब अपने आप आंसर निकलता है सभी क्वेश्चंस का, ओके? अच्छा, बहुत सी जगह पर मतलब बायोलॉजी में एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड है वो पूरी बायोलॉजी है वो केमिकल बॉन्ड पे ही डिपेंड है। कैसे, जैसे कि मैं बात करूं प्रोटीन की, बात करूं तो जो प्रोटीन है एक्चुअल में प्रोटीन बनी किसकी वजह से ही है, बॉन्ड की वजह से, ठीक है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है, कोई हेलिकल टाइप की प्रोटीन होती है, कोई सीट बीटा सीट मतलब सीट टाइप की प्रोटीन होती है, तो ये सब जो जो टाइप है प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन किन की वजह से है, बॉन्ड की वजह से, किसकी वजह से, बॉन्ड की वजह से। अपने सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका शेप है, वो सब किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड, ओके? यदि ये बॉन्ड एग्जिस्ट ना करें तो उनका कोई खुद का स्ट्रक्चर ना होगा, ठीक है, उसकी खुद की कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी। जैसे कि डीएनए डबल हेलिक्स है, तो डीएनए डबल हेलिक्स है किसकी वजह से, बॉन्ड्स की वजह से, उसके अंदर ऐसी बॉन्डिंग है जिसकी वजह से वो डबल हेलिकल है, और वो बॉन्डिंग क्या है, स्पेसिफिक एटम के बीच में मिलती है, स्पेसिफिक एटम मीन्स बोल सकता हूँ कि देखो नॉर्मल बात है कि हर कोई एटम है वो हर किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर सकता, वो बॉन्ड उसी के साथ करेगा जो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, कॉम्प्रोमाइज मतलब उसे स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, ओके, ठीक है, या उसके साथ क्या कहते हैं उसको फेवर करेगा, ठीक है, मोस्ट स्टेबिलिटी के लिए, ओके, तभी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यदि कोई, अब जैसे कि मान के चलो मैं बोलूं कि आयरन और कॉपर के बीच में बॉन्डिंग हो जाए, नहीं होती, वो आयरन और कॉपर के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकती, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नहीं हो सकता, ठीक है, बीकन से इसमें मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है, लेकिन इसमें मेटेलिक बॉन्ड भी बहुत ही कम मिलेगा, ओके,
ऐसी मैं बात करूं, फ्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्डिंग हो जाए, नहीं नहीं हो सकती, क्योंकि फेवर ही नहीं करती केमिकल बॉन्डिंग को, स्टेबलाइज नहीं करेंगे एक दूसरे को यदि आपस में बॉन्डिंग भी बना ले, बॉन्ड नहीं बन सकते इनके अंदर। मैं बात करूं कि ब्रोमीन और आयोडीन में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऐसे नहीं बन सकते। तो हर एक एटम है वो किसी ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जो उसकी बॉन्डिंग को फेवर करे। ओके, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि हर किसी के साथ कोई भी एक एलिमेंट है वो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो डीएनए के अंदर है जो ऐसे एलिमेंट होती हैं, ऐसा मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है जैसे कि डबल हेलिक्स है, वो किसकी वजह से है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह, सॉरी वो केमिकल बॉन्ड की वजह से है। केमिकल बॉन्ड मीन्स उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये सब की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंड और हेलिकल होता है। ओके, यदि ये बॉन्ड ना हो तो उसका स्ट्रक्चर खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रोटीन का भी खुद का स्ट्रक्चर नहीं होगा, ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट के जो भी हैं लिपिड हैं इन सब का खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। इवन मैं बात करूं सेल की, सेल के अंदर बहुत सी कंडीशंस हैं जहां पर बॉन्ड बहुत जरूरी है, जैसे कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है जिसमें जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अरेंज होते हैं ऐसे, ठीक है, बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ये अरेंज किसकी वजह से है, केमिकल बॉन्ड की वजह से। इन मॉलिक्यूल्स में कोई एक ऐसा बॉन्ड है जो इनको इस तरीके से एग्जिस्ट करवाता है, इनको इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। सेल मेम्ब्रेन की एग्जिस्टेंसी किसकी वजह से है, केमिकल बॉन्ड की वजह से। ओके, तो यदि सीधी सीधी बात है केमिकल बॉन्ड ना हो तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, यदि इसके बीच में बॉन्डिंग तोड़ दी जाए तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। तो बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं कि वो इस बॉन्डिंग को ही ब्रेक करते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर पोर फॉर्मेशन हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड टाइप की ऐसी चीजें होती हैं, ये अपन सब आगे बात करेंगे, लेकिन मैं फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, इन फैक्ट को क्लियरिफाई करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियोज में। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हो कि इस फैक्ट है उसका क्या लॉजिक है, मैं यहाँ पे ओनली फैक्ट बता रहा हूँ, उनका लॉजिक ही लॉजिक है वो कम बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे लॉजिक नहीं बता सकता, वो जब ही बताऊंगा जब मैं बॉन्ड की डिटेल बताऊंगा, पर्टिकुलर बॉन्ड की डिटेल बताऊंगा। ओके, बट यदि किसी को जानना है तो अपन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही अब देखो दूसरा फैक्ट होता है कि, अच्छा एक और मैं चीज बताता हूँ कि कभी देखा है लिजार्ड को बॉल पर चढ़ते हुए, और इवन जो रूफ टॉप होता है मतलब रूफ होता है उस पर वो हैंग हो सकता है, ठीक है, वो चिपकी हुई हो सकती है, चिपक सकती है, क्यों, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। उसके जो पाम है, जो उसके नेल्स है और बॉल के बीच में कुछ ऐसी बॉन्डिंग है, वो क्या बॉन्डिंग है, ठीक है, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, यदि जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी अलग से वीडियो बना सकता हूं। चलो इसके बारे में बता ही देता हूं कि जो लेजार्ट है और जो बॉल है, बॉल किसकी बनी होती है, बोल सकते हैं कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, जिप्सम वगैरह है, ठीक है, फॉस्फेट वगैरह है और कैल्शियम वगैरह इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और इधर जो पाम होता है उसमें क्या होती है, पाम होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पाम में, मींस अपन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है, सीधी सीधी बात हुए वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। तो जो लिजार्ड का पाम है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इधर है क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स में आपस में वंडर वॉल अट्रैक्शन होता है, वंडर वॉल अट्रैक्शन की वजह से, और ऐसा वंडर वॉल अट्रैक्शन होता है इतना मजबूत कि वो अच्छे से क्या कर सकती है, और उसका शेप भी, जो पाम का शेप है वो किस ऐसा होता है उसके लिए फेवरेबल है, क्या है, फेवरेबल है उसको अटैच करने में, किस पर, वॉल पर, और वो पाम का शेप भी किसकी वजह से है, बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, जैसे अपना तो फ्लैट है, उनका कुछ इस टाइप का मतलब होता है, ठीक है,
तो जिसकी वजह से वो क्या है, अपने नेल से है और अपने पाम में वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। नेल्स तो उसके जो पोर्स होती हैं बॉल्स के बीच में उसमें फिक्स हो जाती हैं, साथ साथ उनके पाम में वैक्यूम भी क्रिएट हो सकता है। एंड तीसरी चीज, उसके पाम और बॉल के बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, वंडर बॉल फोर्स अट्रैक्शन होता है, वंडर बॉल अट्रैक्शन होता है। ये तीन चीजों की वजह से वो ब्लिजार्ड है, वो उस पर अटैच हो सकती है किसी बॉल पर। लेकिन अपुन क्यों अटैच नहीं हो सकती है कि पहली फर्स्ट में अपुन वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते अपने हाथ में, क्योंकि अपना हाथ फ्लैट है। वैक्यूम क्रिएट ऐसी जगह पे ही हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कभी देखा है एक जैसे कि वैक्यूम क्लीनर वगैरह देखते हैं, वैक्यूम क्लीनर मतलब फ्लोर क्लीनर होता है, तो उसमें क्या होता है वो उसमें वैक्यूम एक पंप के थ्रू, वैक्यूम पंप होती है, उसके थ्रू वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से आप वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो डस्ट वगैरह है वो क्या होती है, पुल आउट पुल इन होती है, उस क्लीनर के अंदर पुल इन होती है। मतलब सीधी सीधी बात है, यदि जहां पे भी वैक्यूम क्रिएट हो जाए वहां पे खिंचाव पैदा होता है। तो ऐसी ही जो पाम होती है, लिजार्ड की पाम, उसमें क्या है वैक्यूम क्रिएट करती है वो, और जिसकी वजह से उसकी मॉलिक्यूल्स मतलब बॉल्स और उसके पाम के बीच में क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से वो आपस में चिपक जाती हैं। ओके, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कभी देखना, जैसे कि अपना पेन पेन मतलब बोल सकते हैं जो कैप होता है पेन का, उसको लेना और उसको अपने टंग है उस पर ले जाना, एंड इस कैप के अंदर जो भी एयर है उसको अंदर सक करना। ये एयर सक करते ही ये कैप है वो अपनी टंग से चिपक जाता है। कभी बहुत सारे बचपन में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, मैं करके भी बता सकता हूँ, ठीक है, ये कैसे करते हैं, लेकिन इसको आप खुद ही ट्राई करना कि जब भी यदि इसके अंदर एयर है, एक्चुअल में एयर नहीं रहेगी तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से इसके अंदर अपनी जो टंग है ये अपनी टंग से चिपक जाएगा, खिंचाव होने की वजह से अपनी टंग से ये चिपक जाएगा। तो इस टाइप की चीजें हैं नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, और इन सबका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, और वो लॉजिक बस समझना होता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लिजार्ड है वो वॉल के सब पर अटैच होती है, वो उसमें एक रोल होता है केमिकल बॉन्ड का भी। दूसरी चीज मैं बात करूं कि जो वॉटर है, अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल है, देखो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लूंगा मैं, ठीक है, उनका कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है, लेकिन वो सब रिलेट करेंगे किससे, केमिकल बॉन्ड से। जैसे कि वाटर के बारे में देखा, वाटर है लिक्विड, वाटर की थ्री फेज होती हैं, वाटर की थ्री फेज होती हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, किसी भी मैटर की, मान लो मैटर की वो थ्री फेज होती है, मैटर की मैं बोल सकता हूँ मैटर थ्री फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कोई भी मैटर है वो थ्री फेज में एग्जिस्ट करता है, और क्या होते, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड और गैस की जो एग्जिस्टेंसी है वो किस पर डिपेंड है, वो केमिकल बॉन्ड पर डिपेंड है। अब कैसे, यदि मान के चलो दो मतलब मॉलिक्यूल्स, अच्छा एक मैटर होता क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होती हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये बहुत मतलब मिलियंस मॉलिक्यूल एक मैटर बनाती हैं, मिलकर के मैटर बनाती हैं। ओके, ठीक है, तो अब जैसे कि मान के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में रैंडम अरेंज है, ठीक है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, बॉन्ड है, वो बहुत वीक है, बहुत कम है, तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में मिलेगा। मतलब मॉलिक्यूल्स सॉरी एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि कोई फोर्स नहीं है या कम मतलब वीकर फोर्स है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज है, गैसेस फॉर्म में मिलती हैं। जैसे कि अपनी एयर है, एयर में जो गैसेस हैं वो उनमें जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, और किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में अरेंज नहीं होते हैं, वो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है। ओके, अब मान के चलो दूसरी स्टेज होती है, जो उसके दूसरी फॉर्म होती है वो लिक्विड होती है। लिक्विड में क्या होता है जो फोर्स होता है मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में थोड़ी थोड़ी क्लोज होती हैं, ठीक है, इतनी भी क्लोज नहीं होती हैं लेकिन पास पास होते हैं, और एक अच्छा सा अरेंजमेंट होता है उनका, ठीक है, पास पास होती हैं। ओके,
किसकी वजह से? एक अट्रैक्शन फोर्स की, वंडर वॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से होती है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बिल्कुल ना हो तो वो गैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी होती है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यदि अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब जैसे कि ये लिक्विड है, ठीक है, यदि मैं मान के चलो इस टाइप से अरेंज है वाटर मॉलिक्यूल्स, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाती है? सॉलिड बन जाती है। तो कोई भी मैटर है यदि उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन बॉन्ड मतलब केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और पास पास में मॉलिक्यूल अरेंज है तो वो सॉलिड होगा, ठीक है, और यदि थोड़ा दूर दूर है तो लिक्विड, और बहुत ज्यादा दूर है तो गैस में होंगे। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं जो वाटर का नेचर है लिक्विड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसके अंदर कुछ खासियत आ जाती है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वाटर के बारे में, वहां पे भी बताऊंगा और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि जो वाटर है वो लिक्विड है उसमें जो बहुत से नेचर है, बहुत सी प्रॉपर्टी है, किसकी वजह से हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसे कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कोहेसिव नेचर, ठीक है, ये सब किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, कभी देखा होगा स्पाइडर है वो वाटर पर चल लेती है, स्पाइडर है वो वाटर पर चल लेती है, लेकिन अपन नहीं चल पाते, क्यों? सीधी सीधी बात है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल होती हैं वाटर के, सरफेस मॉलिक्यूल होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी होती है कि जो जब स्पाइडर उस पर चलती है वो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाती, उनमें इसके अंदर इतना वेट नहीं होता है, उसके अंदर इतना मास नहीं होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके, लेकिन अपने बॉडी के अंदर इतना ज्यादा मास होता है कि वो ये हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, इस वजह से अपन पानी पर नहीं चल सकते। यदि अपनी बॉडी का मास है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके कंपेयर में क्या हो कम, बोल सकता हूं मैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि अपनी बॉडी के मास को टॉलरेट कर सके, ओके, टॉलरेट कर सके, सहन कर सके, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? वाटर पे चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं वाटर पे, लेकिन अपनी बॉडी का जो मास है बहुत ज्यादा है, अपनी बॉडी का जो वेट है बहुत ज्यादा है, इस वजह से अपन वाटर पे नहीं चल सकते। तो सीधी सीधी बात है कि वाटर का जो नेचर है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से आती है? बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, बोल सकता हूं केमिकल बॉन्ड की वजह से। तो केमिकल बॉन्ड है किसी एटम को, सॉरी किसी मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है। अब स्पेसिफिक टाइप का यदि बॉन्ड है तो स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि डीएनए है, डबल हेलिक्स है, ये किसकी वजह से है? बॉन्ड की वजह से। उसके अंदर, उसके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच में कुछ स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना देता है। अब कोई भी मॉलिक्यूल, अब दूसरा एग्जांपल ले लो, चलो सॉल्ट है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, किसकी वजह से? सॉल्ट है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ जो सॉल्ट है इसमें Na और Cl होता है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करती हैं? उनके बीच में कुछ न कुछ फोर्स लगता है जिसकी वजह से Na और Cl अलग अलग हो जाती हैं, और वो किसके साथ जुड़ जाती हैं? वाटर के साथ जुड़ जाते हैं एंड वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो हर जो भी लॉजिक है भाई, मतलब अपने नेचर में वहां पर कुछ न कुछ रिलेटेड होगा केमिकल बॉन्ड से, ठीक है, कुछ न कुछ अपन जो भी कुछ देखें वहां पर कुछ, मतलब बायोलॉजी में वहां पर केमिकल बॉन्डिंग का कुछ न कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको, केमिकल बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड है उसका कुछ न कुछ रोल मिल जाएगा वहां पर। ओके, तो बहुत सी चीजें हैं जहां पर अपन केमिकल बॉन्ड देख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो रिसेप्टर है, बायोलॉजी की मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं और इतने एग्जांपल दे सकता हूं कि इस वीडियो को मैं बहुत लंबा भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, बट मैं एक सिंपल सा तुम्हें आपका जो माइंड का ओरिएंटेशन चेंज कर दूंगा कि जिसकी वजह से आप सोच सको कि केमिकल बॉन्डिंग कहां कहां मिल सकती है बायोलॉजी के अंदर। ओके, सेल है, सेल के रिसेप्टर मिलती हैं, ठीक है, रिसेप्टर मिलती हैं, और ये रिसेप्टर होता है किसी स्पेसिफिक लिगेंड के लिए, मतलब रिसेप्टर जो होती हैं इस रिसेप्टर कोई स्पेसिफिक लिगेंड ही जुड़ सकता है, कोई दूसरा लिगेंड नहीं जुड़ेगा, मतलब इसका खुद का स्पेसिफिक लिगेंड होगा वही जुड़ पाएगा और दूसरा नहीं जुड़ पाएगा, क्यों? क्यों? इसका भी आंसर है केमिकल बॉन्डिंग, कि इसका जो लिगेंड है, ठीक है, मान के चलो इसका जो लिगेंड है
मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, इस टाइप का रिसेप्टर है। अभी मान के चलो इसके आसपास लिगेंड है, एक तो इस टाइप का है, ठीक है, सॉरी एक इस टाइप का है, एक इस टाइप का लिगेंड है इसके, ओके। अब इनमें से कौन इसके साथ जुड़ेगा? सीधा सीधा ये इसके साथ अटैच हो सकता है, फिट हो सकता है। फिट मीन्स इसका जो सरफेस है और रिसेप्टर की सरफेस है आपस में मैक्सिमम बॉन्ड बना सकती हैं। ये भी बॉन्ड बना पाएंगे लेकिन मैक्सिमम बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ये आएंगे यहाँ पे जुड़ जाएंगे लेकिन डिटेच हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, बिकॉज इनके बीच में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाती। और अच्छे से बॉन्डिंग क्यों नहीं जाती? क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ऐसा है कि इसके बॉन्डिंग को फेवर नहीं करते। लेकिन इस लिगेंड का और इस रिसेप्टर का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो मोस्ट मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग को फेवर करती हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा बॉन्डिंग बनवाती हैं। इनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर है, इनके अंदर मॉलिक्यूल का ऐसा अरेंजमेंट है कि आपस में ये ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं कंपेयर टू इस लिगेंड और इस लिगेंड। तो मैं सीधा सीधी बात करूं कि रिसेप्टर और लिगेंड की जो बाइंडिंग है वो किसकी वजह से है? बॉन्डिंग की वजह से। एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग किसकी वजह से है? बॉन्डिंग की वजह से। एंजाइम किसी प्रोटीन से बॉन्ड कर मतलब अटैच है किसकी वजह से? बॉन्डिंग की वजह से। डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के साथ जुड़ रहा है किसकी वजह से? बॉन्डिंग की वजह से। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है वो किसकी वजह से है? बॉन्डिंग की वजह से। ओके बहुत से आंसर है। अपन किसी भी सेल को स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करते हैं वो किसकी वजह से? बॉन्डिंग की वजह से। स्टेन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स पे पर्टिकुलर सेल के पार्ट पर जाकर के बाइंड करती है, बॉन्ड बनाती है, तब अपन उसको विजुअलाइज करते हैं। यदि वो उस पर बाइंड ना करे ना तो अपन विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे इसको। ओके तो बायोलॉजी है वो बिना बॉन्ड के पॉसिबल नहीं है। हर जगह बॉन्डिंग है तो इसके बारे में तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए। और बहुत सी बायोलॉजी के ऐसे आंसर्स हैं वो उन सब का मतलब क्वेश्चन है, उन सब का आंसर है केमिकल बॉन्डिंग। अब बहुत से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स क्यों है, उसके अंदर बॉन्डिंग है ऐसी। अब बॉन्डिंग कौन सी है मैं उन बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये सब चीजें है किस पर डिपेंड है? बॉन्डिंग पर डिपेंड है। डीएनए डबल हेलिक्स क्यों है, डीएनए बी नेचर का क्यों है, ए नेचर का क्यों है, ए टाइप डीएनए होता है, बी टाइप का भी डीएनए होता है, जेड टाइप का डीएनए, सब टाइप क्यों है, सब बॉन्डिंग की वजह से है। ये सब डिस्कस करेंगे अपन आगे धीरे धीरे। इंटरेस्टिंग चीज है बायोलॉजी, ऐसा वैसा कोई टॉपिक नहीं है, वैसा वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है लेकिन नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। यदि अपन थोड़ा बस सोच कर देखे किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को, तो बायोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस लिंक बिठाना आना चाहिए बायोलॉजी में, बायोलॉजी की नॉलेज में मतलब जो आपके पास है उसमें आपस में लिंक बिठाना आना चाहिए तो बायोलॉजी तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। ओके और भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं, ठीक है। यदि आपके माइंड में कोई और एग्जांपल हो और कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूँ आगे जाके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो और भी एग्जाम्पल मैं बात करूं जैसे कि अपन जैसे डीएनए आइसोलेशन करते हैं, डीएनए आइसोलेशन करते हैं मतलब लेबोरेटरी में, तो वहां पर भी क्या लॉजिक है? वहां पर भी बॉन्डिंग का लॉजिक आता है। कैसे कि जब भी डीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। चिल्ड इथेनॉल क्यों डालते हैं? जिसकी वजह से वो प्रिसिपिटेशन हो जाता है। वो प्रिसिपिटेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। और कैसे होता है ये बाद में डिस्कस करूंगा मैं, जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा। ओके तो इस सब का कुछ न कुछ लॉजिक है। इवन बहुत सी डिजीज है वो बॉन्डिंग की वजह से है, मतलब उनके बॉन्डिंग में गड़बड़ होने की वजह से होती है। जैसे कि लिवर सिरोसिस नाम सुना होगा, लिवर डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? कि कहीं ना कहीं सेल के अंदर केमिकल बॉन्डिंग का कुछ न कुछ रोल है, कुछ न कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से उसकी बॉन्डिंग नेचर चेंज हुआ है, और बॉन्डिंग नेचर चेंज होने की वजह से उसका सेल का फंक्शन भी चेंज हो जाता है, और सेल का फंक्शन चेंज होने की वजह से डिजीज बन जाती है।
लिंक बिठाते जाओ, लिंक बिठाते जाओ, सब्जेक्ट इजी बनती जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सब फेंकने वाली वाली बातें, आप कहीं भी सर्च करके देख लेना लिवर सिरोसिस किसकी वजह से है। तो लिवर सिरोसिस एक्चुअल में उसका जो लॉजिक है, लिवर सिरोसिस है उसमें जो प्रोटीन है, सेल है, हेपेटोसाइट है, उनके अंदर प्रोटीन है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। प्रेसिपिटेट क्यों हो जाती, क्योंकि जो प्रोटीन है उनके अंदर अच्छे से फोल्डिंग नहीं हो पाती। और अच्छे से फोल्डिंग क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, मान के चलो उसमें ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होती हैं, ऐसे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो फोल्डिंग करवाती हैं सेल के अंदर। चेपिरोन्स होती हैं, मतलब कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोटीन दूसरी प्रोटीन को क्या करवाती हैं, फोल्ड करवाती हैं। ओके, अब वो प्रोटीन यदि खराब हो जाए तो क्या होगा, प्रोटीन फोल्ड नहीं हो पाएगी, तो उसके कुछ फंक्शनल ग्रुप एक्सपोज हो जाएंगे और उन फंक्शनल ग्रुप आपस में किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से नई बॉन्डिंग बना देती हैं। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं अच्छे से बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ठीक है, ये अच्छे से मैं बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो बहुत सी डिजीज हैं वो किस पे किसकी वजह से हैं, केमिकल बॉन्डिंग चेंज होने की वजह से। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ओके, अच्छा और भी एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।